हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड स्टोरीज फॉर यू। आज हम बात करने वाले हैं थ्री प्ले मीडिया की। थ्री प्ले मीडिया एक ट्रांसक्राइबिंग और ट्रांसलेटिंग साइट है जिसपे आप डाटा जो भी आप ऑडियो और वीडियो के थ्रू सुनेंगे उसको आपको ट्रांसक्राइब करना होता है। मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ले जाकर दिखाने वाली भी हूँ कि आपको इसके लिए कैसे साइन अप करना है। और इसमें भी बेसिकली आपको एक सैम्पल वीडियो देखकर, ऑडियो देखकर, वीडियो देखकर आपको एक पैराग्राफ पूरा एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, सैम्पल वर्क वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। प्लस आपको फिर इसके बाद अगर आप क्लियर करते हैं फॉर्म सबमिट करके, सारी डिटेल्स फिलअप करके, तो आपको फिर एक टेस्ट देना पड़ेगा, इंटरव्यू होगा आपका जिसमें वो आपसे थोड़ा सा डिटेल्स लेंगे। ठीक है, इट कुड भी आजकल जैसे इंडिया मार्ट का भी हमने इंटरव्यू देखा था कि इंटरव्यू क्या होते हैं आजकल, आपको वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड हो जाते हैं, कुछ प्री क्वेश्चंस होते हैं जो सेट होते हैं, या फिर टेलीफोनिक होता है, तो दोनों तरह से कुछ भी हो सकता है। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसक्राइबिंग साइट। इसके आप देख सकते हो मल्टी मीडिया और ब्रांड पार्टनर्स और जो इसके पार्टनर्स हैं जिन्होंने ऑडियो कैप्शनिंग करवाई है। मतलब कितनी बार ही होता है वीडियोज में आपको कैप्शन चाहिए रहते हैं, सब टाइटल चाहिए रहते हैं, और आपको उसको ट्रांसक्राइब या ट्रांसलेट करवाना है। ठीक है, आप स्पेनिश ट्रांसलेटर भी बन सकते हैं, आप इंग्लिश ट्रांसलेटर भी बन सकते हैं। किन किन कंट्रीज में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं वो भी आपको मैं दिखाने वाली हूँ। ऑलमोस्ट सारी कंट्रियाँ आपके लिए इस जॉब के लिए एलिजिबल है। एंड ऑल्सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ट्रांसक्राइबिंग ट्रांसलेटिंग में बहुत अच्छे नहीं हैं और आपको थोड़ा सा मिस्टेक्स भी लगती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे मैंने आपको वर्बिट में भी शॉर्ट ट्रिक बनाई थी कि आप कैसे वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं, उस तरह का हेल्प ले लीजिए, या आप ग्रामरली में अपनी मिस्टेक्स चेक कर लीजिए, या किसी की इंग्लिश अच्छी तो एक प्रूफ रीडिंग करवा लीजिए ताकि उससे आपको एक बोनस मिल सके। तो ये ट्रांसलेटिंग ट्रांसक्राइब में आप बहुत ज़्यादा मनी मेकिंग कर सकते हैं। मतलब मंथली आप इजीली $1000 तो बना ही लोगे अगर आप प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा सा सिंसियरली वर्क करोगे। और हालांकि मैंने जो कहा है कि आपको कुछ भी लगता है, जैसे कुछ आपकी ग्रामर और इंग्लिश में कमांड तो बहुत अच्छी होनी ही चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इस काम के लिए, तो मैं आपको इसका साइनअप भी बताती हूँ। एंड ऑल्सो अगर आपको इसके रिलेटेड मुझसे कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने प्रोफाइल पूरी फिलअप करके नहीं बताई थी क्योंकि वर्बिट में भी आई हैव ट्राइड, जैसे इंडिया मार्ट का भी मैंने आपको डेमो दिखाया था, तो आई गॉट सिलेक्टेड, फिर मुझे कॉल आया तो आई टोल्ड देम दैट मैं यूट्यूबर हूँ, सो आई जस्ट मेक यू नो प्रोफाइल जस्ट टू मेक व्यूअर्स की वो देख सके क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सो लेट्स गो टू माई कंप्यूटर स्क्रीन एंड या लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमें गूगल पे सबसे पहले टाइप करना है थ्री प्ले मीडिया। ठीक है, थ्री प्ले मीडिया वीडियो कैप्शनिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑडियो के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है। कैप्शन दैट्स लुक गुड, मेक यू लुक गुड, राइट। सो ये वेबसाइट काम करती है क्लोज कैप्शंस का, ट्रांसक्रिप्शन का, ऑडियो डिस्क्रिप्शन, ट्रांसलेशन का, बेसिकली ट्रांसक्राइबिंग सब कुछ। ठीक है, सीसी जो जनरेट करते हैं बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स, कंपनी और यूट्यूबर्स भी कैप्शनिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन का काम खुद से नहीं करते, तो वो चाहते हैं कि किसी थर्ड पार्टी वेंडर को हम दे दें, वो लोग काम करके हमें दे दें। तो या तो हम फाइबर वगैरह पे सर्च करते हैं कैप्शनिंग के लिए, या फिर इस साइट्स पे ट्रांसक्राइबिंग साइट्स पे कैप्शनिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। ठीक है, सो सीसी का काम हो गया, सबटाइटल्स का, ऑडियो डिस्क्रिप्शन का, ये सारे काम्स ये हैंडल करते हैं। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैनेज ऑफ कॉर्पोरेट मल्टीमीडिया डेल सॉफ्टवेयर ग्रुप, मतलब इनके ब्रांड पार्टनर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब ये कंपनी की जेन्युइनिटी पे आप शक नहीं कर सकते। लाइक आप देख सकते हो ओरेकल, परकिंस, टी मोबाइल, बारबरी और अच्छी कंपनीज इसके साथ कस्टमर्स हैं, इसके मतलब ओवर 5000 ईयर्स है। और मोर कस्टमर स्टोरीज आप यहाँ पर पढ़ सकते हो अगर आपको देखना है जेन्युइनली सेटिस्फाई होना है कि यहाँ पे किसने कौन सा, तो हर अच्छी ब्रांड कंपनी ने इन लोगों से कैप्शनिंग करवाई है, क्योंकि बहुत सारी अच्छी कंपनीज अलग अलग जगह होती हैं एंड उनके अलग अलग कस्टमर्स होते हैं जिनके लिए उनको ये ट्रांसलेशन ट्रांसक्राइबिंग का वर्क करवाना होता है। सो अब आपको इस पर अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, आपको क्विक लिंक्स में जाकर जॉब पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर जॉब पर क्लिक करेंगे, हर ट्रांसक्राइबिंग साइट्स का तरीका वही होता है कि आपको उसमें ट्रांसक्रिप्शन का टेस्ट देना होता है, इंटरव्यू देना होता है, उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो इस साइट पर भी आपको ट्रांसक्रिप्ट कैरियर इन बोस्टन और ट्रांसक्रिप्ट एडिटर जॉब सर्च करना है। ठीक है, तो आपको अब आपको इसमें एडिटर जॉब के बाद अप्लाई टू बी एन इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शनिस्ट क्या आप स्पेनिश, सो इट्स अप टू यू, आपको जो लैंग्वेज आती है, लाइक फॉर मैक्सिमम यू विल गो फॉर इंग्लिश। उसके बाद ये फॉर्म खुल जाएगा, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन बीइंग ट्रांसक्रिप्शनिस्ट विद थ्री प्ले मीडिया। तो आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ डालना है, देन लाइक फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट पुट लाइक
ओके आई एम पुटिंग माई नेम सोनम परिहार, ओके आई विल जस्ट, उसके बाद ईमेल एड्रेस आपको डालना है. सो फॉर एग्जांपल आपका कुछ भी आप सैंपल ईमेल एड्रेस डाल सकते हो. फॉर एग्जांपल इफ आई विल पुट लाइक माय ईमेल, ओके. अब कंट्री आप पूछते हैं ना, कंट्री में कौन कौन सी अवेलेबल है, बहुत लोगों के रिक्वायरमेंट आते हैं. तो यूएस आप देख सकते हैं, ये सारी कंपनीज इस पर अप्लाई कर सकती हैं. ठीक है, मेक श्योर आप स्लो कर लीजिए, स्टॉप करके देख लीजिए कि ये सारी कंपनीज यहाँ पर अप्लाई कर सकती है. क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि किस कंपनी से है, कंट्री से हम अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते. सॉरी, कंट्री तो ये सारी कंट्रीज यहाँ पर इस वर्क के लिए अप्लाई कर सकती हैं. और हर कंट्री का एक सिस्टम सा एक सिस्टम है कि बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बहुत से वर्क होते हैं, उसके बाद ही वो आपको अप्रूव करते हैं. तो मेक श्योर देख लें आप, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं. ठीक है, हालांकि अब मैं इंडिया में हूँ तो आई विल पुट अप इंडिया एंड देन सबमिट. जैसे ही आप सबमिट करोगे तो ये आ जाएगा कि ग्रेट न्यूज़, वी आर एक्सेप्टिंग कॉन्ट्रैक्टर एप्लीकेशन फॉर इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम इंडिया, प्लीज़ कंटिन्यू विद द एप्लीकेशन. मतलब ये अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं. ओके, आज है 3 फरवरी सॉरी, एंड दे आर एक्सेप्टिंग, सो यू कैन अप्लाई. राइट, अब अप्लाई करने के टाइम पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. प्लीज़ रेफर टू द फुल जॉब रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेशन, आप पहले ये पढ़ लीजिए, उसके बाद ही जाइएगा. कि सबसे पहले आपको बी लोकेटेड इन इंडिया हो आप और पे टैक्सेस इन द यूएस, मतलब क्योंकि जिस कंट्री के होते हो उसी की आपकी डिटेल्स लगती है. ठीक है, अब आप इसमें क्या देख सकते हो कि यू विल बी रिक्वायर्ड टू साइन इन वेव एट बी एन फॉर्म टू अ फॉरन स्टेटस बेनिफिशियल ओनर का टैक्स का एक फॉर्म आपको करना पड़ेगा. आपको 2 USD to 7 USD मिलेगी. ठीक है, एंड इसमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि एक्सीलेंट रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप सुन के सही लिख पाएंगे. इंग्लिश ग्रामर पंक्चुएशन आपकी सही होनी चाहिए. एक्सपीरियंस विद कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग, लाइक आप सुन के आप उसे करेक्ट वे में लिखें. ठीक है, इंटरनेट रिसर्च और रेफरेंस और रिसोर्स होनी चाहिए. प्रोजेक्ट करनी में इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकें और एटलीस्ट 18 ईयर से ज़्यादा हो. ठीक है, रिक्वायरमेंट अगर सिस्टम वाइज देखी जाए तो पीसी और मैक होना चाहिए. क्रोम और सफारी वेब ब्राउज़र पे वर्क कर सकता है. 2 GHz प्रोसेसर, 4 GB रैम स्पेस और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. मिनिमम 10 Mbps का होना चाहिए. ठीक है, एंड यू कैन टेस्ट. अब उसके बाद आपको नेम, उसके बाद एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा. डू यू यूज़ टाइपिंग स्टैंडर्ड कीबोर्ड, तो टाइपिंग टेस्ट इस वाली साइट पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा. उसके बाद आपको सारी ये इन्फॉर्मेशन, स्पीड टेस्ट .net होगा आपका, उस पर आपको साइट की और किस मतलब क्या स्पीड चल रही है और पास ट्रांसक्रिप्शन एक्सपीरियंस अगर आपका कुछ है तो वो डालना पड़ेगा. और वाई यू आर अट्रैक्टेड टू दिस अपॉर्चुनिटी, ये भी डालना पड़ेगा. हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, वो भी आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा. तो आप यहाँ पे अदर करके माइनी स्टोरीज फॉर यू यूट्यूब चैनल का मेंशन कर सकते हो, मेरे वीडियो के लिंक डाल सकते हो. एंड देन आपको सारी डिटेल्स क्लियरली पढ़नी पड़ेंगी. एंड उसके बाद आपको वीडियो को सुन के यहाँ पर आपको सैंपल में राइट करना पड़ेगा. उसके बाद आप इसे उसमें अपनी फ़ोटो आईडी भी, एक नाम जिसमें पिक्चर सब कुछ हो, उसके साथ सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपका फॉर्म कंप्लीट होगा.